नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चला बिजनौर के चांदपुर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता की खास रिपोर्ट। चांदपुर के तहसील सभागार में जिलाधिकारी महेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की तहसील में भीड़ उमड़ पड़ी। तहसील के विशाल सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर हॉल फरियादियों से भरा रहा। संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम अकबरपुर सिमली निवासिनी 3 दर्जन से अधिक महिलाएं नरेगा मजदूरी के लिए जिला अधिकारी से मिली। जिला अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीडीओ जलीलपुर को तलब किया और असिस्टेंट कमिश्नर नरेगा को मौके पर जाकर शाम तक रिपोर्ट देने के लिए आदेश दिए। ग्राम रतनपुर खुर्द के पूर्व लेखपाल एवं कानूनगो के द्वारा विरासत दर्ज करने में लापरवाही पाए जाने पर जाँच के आदेश दिए। वहीं बार एसोसिएशन चांदपुर के अध्यक्ष सोमपाल सिंह के नेतृत्व में वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी से मिला और तहसील के कुछ गांव में जमीन की खरीद फरोख्त करने के लिए बैनामा कराने पर स्टाम्प शुल्क अधिक लिए जाने की शिकायत की। सावित्री, कहाँ रहती हो? अकबरपुर में। क्या मसला है? बस नरेगा ना मिलती, हम कन्या को मेहनती बनाए तो करना तो पड़ेगा ही। देखो गुजर तो सरकारी मजदूरी की है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है। आज तहसील दिवस में आई हो तुम? हाँ, उसकी जरूरत में आए जी। पहली समस्या तो हमारी रजिस्ट्री की थी। अच्छा। तो रजिस्ट्री में कुछ विशेष ग्राम ले लिए जिनमें आप जो है 1 बीघा या 10 बीघा जितना ही बैनामा कराओगे उसमें 500 एयर तक, लगभग आधा बीघे से ज़्यादा तक आप मीटरों का स्टाम्प ले रहे हैं, न्यूनतम बेसिक मूल्य है। उसके हिसाब से अगर आप 1 बीघा ज़मीन भी लेते हैं तो सरकारी कीमत कुछ गाँव ऐसे हैं जिसमें 20-25 लाख बैठ रही, तो उससे जो है किसान को बहुत हानि हो रही है। दूसरा यह है कि 85 एयर से कम पे इन्होंने जो 60% एक्स्ट्रा कर रखा है तो उस 60% एक्स्ट्रा हटाने के लिए। तीसरा ये है कि हमारी जो रजिस्ट्री है जो ऊपर है और हमारा ट्रेजरी का जो पूरा है कंपार्टमेंट खाली पड़ा, बहुत जगह है उसमें, तो वो यहाँ इधर पुनर्स्थापित कर दिया जाए इधर उसके लिए। इन तीनों समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया? जी जी जी, क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी? कह दिया उन्होंने जो है संबंधित अधिकारी को आदेश कर दिए और AIG स्टाम्प के लिए बोल दिया, उनसे बात कर दी। 200 मीटर की त्रिज्या वाला जो 200 मीटर की त्रिज्या का था तो हमारे अधिवक्ता कह रहे हैं कि 100 मीटर कर दिया जाए, लेकिन उसमें मानक क्लियर कर दिया जाए कि आवासीय में आप क्या क्या मानते हैं। कहीं किसी ने ऐसा है कि थोड़ी टीन डाल ली अपनी, आज का गुलदार आ रहा है जंगलों में उसके बचाव के लिए तो उसे भी आवासीय गतिविधियाँ मान लेते हैं, तो ये मोनोपोली रुकनी है इनकी, ये सब बात है। भट्टे की ईंट सूख रही है तो उसे आवासीय गतिविधियाँ मान रहे हैं, तो वो मानक क्लियर होना चाहिए कि आवासीय गतिविधियां में आप क्या मानने हैं, तो स्पष्ट खुलना चाहिए दिशा निर्देश। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।